हेड कोच बनते ही गौतम गंभीर ने उठाया बड़ा कदम। 612 दिन से बाहर चल रहे इस खिलाड़ी को बना रहे सीधा कप्तान। गौतम गंभीर को बीसीसीआई के सचिव जयसा ने हाल ही में टीम इंडिया के नए हेड कोच के रूप में नियुक्त किया है। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में जिम्मेदारी निभाने से पहले ही गौतम गंभीर ने एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए श्रीलंका दौरे पर एक ऐसे खिलाड़ी को टीम के कप्तान के रूप में चुनने का फैसला किया है जिन्होंने बीते 612 दिनों से टीम इंडिया के लिए कोई मुकाबला नहीं खेला है। दरअसल टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जिन्होंने साल 2024 में हुए दो T20 वर्ल्ड कप में खेलकर लगभग 18 महीनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी उन्हें गौतम गंभीर श्रीलंका दौरे का कप्तान बना सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से गौतम गंभीर को ऐसा करना चाहिए या नहीं कमेंट करके बताएं।